So hello student, so this is the last video for organic chemistry's discussion of questions 2007 to 2018. So ये अराउंड जो 2018 के क्वेश्चंस का ही लास्ट वीडियो है. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से. एक दो क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं, तो पैराग्राफ एक है, इस पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं. सो ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड cuprous क्लोराइड followed by reaction with acetic anhydride and sodium acetate gives compound X as major product. Compound X upon reaction with bromine sodium carbonate followed by heating at 473 Kelvin with moist potassium hydroxide furnaces Y as the major product. Reaction of X with H2 in presence of aldehyde charcoal followed by H3PO4 treatment gives Z as the major product. तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखी है रिएक्शंस की, तो चेक कर लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा. सो बेंजीन है हमारे पास में, तो एच पर दी क्वेश्चन दिस इज दी बेंजीन. अब इस बेंजीन को हम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड cuprous क्लोराइड. तो एक और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट gives compound X as the major product. Compound X upon treatment with bromine and sodium carbonate followed by heating at 473 Kelvin with moist potassium hydroxide फर्नेसेस Y एज दी मेजर प्रोडक्ट. सो ये एक और मेजर प्रोडक्ट आ गया Y. रिएक्शन ऑफ X H2 एंड पैलेडाइज चारकोल और फिर H3PO4 के साथ भी हम ट्रीट कर रहे हैं गिव्स Z as the major product. So यहाँ पे ये तो डायरेक्टली हमें पता है कि बेंजीन है, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो ये तो मतलब फॉर्माइलेशन हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो प्रोडक्ट X जो हमारा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बेंजल्डिहाइड होगा. सॉरी, X से पहले जो है वो बेंजल्डिहाइड बन रहा है, एक स्टेप स्किप कर दिया मैंने. नाउ बेंजल्डिहाइड को हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में, तो ये पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी. और पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है हमारे पास में, हम ये कहेंगे कि ये बन गया सिनेमिक एसिड. अब एक्स को जो है हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे डायरेक्टली कि जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है इसकी ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन होगी सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक कर जाएगा और ये जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो यहाँ पे एक जो हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो ब्रोमीन का एडिशन हो गया और ये सोडियम सॉल्ट बन गया इसका. अब साइमल्टेनियसली सोडियम कार्बोनेट का जो है एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, तो इसके साथ में एक और प्रोडक्ट भी बन सकता है. ठीक है, एल्कलाइन ग्रुप की वजह से ये इस टाइप का प्रोडक्ट भी ये बन सकता है. तो आप इसमें ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया और ये बन गया. इस चीज़ के लिए ये रिएक्शन जो प्रोसीड करेगी ब्रोमीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू प्रोसीड करेगी और ब्रोमीन जब यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है और इस साइक्लिक इंटरमीडिएट पर जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक से फिर जो है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है. तो एल्कलाइन मीडियम है तो OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है या Br माइनस जो अवेलेबल होगा उसका भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगा. अब ये जो भी हमारे पास में कंपाउंड है, इस कंपाउंड का ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर व्हेन हीटेड विथ 473 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कंपाउंड भी जो है एलिमिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। यहाँ पे एलिमिनेशन इजीली जो है वो एक E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म से हो सकता है और यहाँ पे नॉर्मल E2 रिएक्शन मैकेनिज्म से एलिमिनेशन हो सकता है। तो इन दोनों का ही एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो होगा वो एक यहाँ पे हमारे पास में ये जो है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि कैसे होगा। कि यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये C डबल बॉन्ड O माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट किया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट किया और ये यहाँ से विथ इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकल आया। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से ब्रोमाइड आयन और CO2 गैस दोनों एलिमिनेट हो रही है, इवॉल्व हो रही है बाहर यहाँ से। और फिर ये एक डबल बॉन्ड बन गया है, ठीक है। मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि ये जो है किस कॉन्फिग्रेशन का जो है डबल बॉन्ड बनेगा, देख लेंगे अभी हम। अगर रिक्वायर्ड है तो हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी ना। ये जो है अगेन यहाँ पे हमारे पास में इसको हम हीट कर रहे हैं मॉइस्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें और एलिमिनेशन हो जाएगा और फाइनली जो है ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह ही बनेगा। अल्टीमेटली जो है हम यहाँ पे कम्प्लीटली एलिमिनेशन करके ट्रिपल बॉन्ड को ही बनाना प्रेफर करेंगे। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसलिए यहाँ पे जो कार्बन है वो इसी टाइप से रहेगा, कोई सॉल्ट वगैरह इसका नहीं बनेगा। तो दिस इज़ दी प्रोडक्ट Y। यहाँ पे E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म से जो है रिएक्शन प्रोसीड करेगी कि ये विथ इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये विथ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, कार्बेनाइन बनेगा और फिर कार्बेनाइन से OH माइनस जो है बाहर चला जाएगा इसके लिए। तो ये X हो गया और ये यहाँ पे हमारा Y बन गया, ठीक है जी। नाउ इस X को H2PDC के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड पर जो है अटैक कर जाएगा। डबल बॉन्ड पर अटैक होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे CH2 और ये कार्बन यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। अब इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं H3PO4 के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये प्रोटोनेट होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। और जो मेजर प्रोडक्ट Z जो है वो इस टाइप का हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज दी मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। तो दिस इज दी मेजर प्रोडक्ट Z। तो ये हमने सारे प्रोडक्ट जो है आइडेंटिफाई कर लिए। अब चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे ऑप्शंस यहाँ पे पॉसिबल ऑप्शंस है। तो देखिए क्वेश्चन जो है इस पर बेस्ड है कि द कंपाउंड Z इज, सो दिस इज दी कंपाउंड Z। तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो है कौन से ऑप्शन में हमारा कंपाउंड Z जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। सो कंपाउंड Z इज गिवन इन ऑप्शन A। B को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजनेशन हो चुका है, तो हाइड्रोजनेशन से ये डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। सो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आंसर A होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि कंपाउंड Y जो है वो क्या है। तो कंपाउंड Y हमारा देखिए कि ये कंपाउंड Y है, तो कंपाउंड Y जो है वो एक टर्मिनल एल्काइन टाइप का होगा। जैसे मैंने बताया था कि इसमें से भी एलिमिनेशन हो जाएगा, इसमें से भी एलिमिनेशन होगा, एक विनाइल ब्रोमाइड बनेगा और विनाइल ब्रोमाइड में फर्दर एलिमिनेशन होकर के एक ये टर्मिनल एल्काइन प्रोड्यूस हो जाएगी। सो इसका आंसर जो होगा वो C है। कंपाउंड Y जो है वो दैट इज गिवन इन ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक पैराग्राफ पर बेस्ड है। सो ये पैराग्राफ, an organic acid P can easily be oxidized to a dibasic acid which reacts with ethylene glycol to produce a polymer decron. Upon ozonolysis, P gives an aliphatic ketone as one of the products. P undergoes the following reaction sequence to furnish R via Q. Compound P also undergoes another set of reactions to produce S. तो ये जो है सारी reaction chemistry का use है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हिंट गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड P के बारे में, और वो ये कह रहा है कि इसका एक तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है टू ए डाई बेसिक एसिड विच रिएक्ट्स विद इथाइलिन ग्लाइकोल टू प्रोड्यूस ए पॉलीमर डेक्रॉन। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कंपाउंड P जो है ओजोनोलाइज भी हो जाता है एंड गिव्स एन एलिफेटिक कीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। और P का फॉर्मूला गिवन है हमारे पास में तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास में जो P है क्या स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल हो सकता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C11H12O2। तो एक तो इसके अंदर इसका ओजोनोलिसिस होगा, ठीक है। इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम निकाल सकते हैं, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि इसके अंदर एक बेंजीन रिंग जो है एक्सपेक्टेड है। तो 11 कार्बन की जो एल्केन है उसके पास में 24 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और इसके पास में 12 हाइड्रोजन एटम्स है। तो हाइड्रोजन एटम का जो डिफरेंस है वो 12 है, उसका हाफ जो है वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली एक इंडिकेशन है कि एक बेंजीन रिंग हम सोच सकते हैं और इसका ओजोनोलिसिस भी हो रहा है और ओजोनोलिसिस से एक एलिफेटिक कीटोन बन रहा है। तो इसका मतलब एक साइड चेन होगी विथ डबल बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में रह सकता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो पी का हम कोई एक स्ट्रक्चर अगर विजुलाइज करना चाहते हैं तो पी के लिए हम स्ट्रक्चर ऐसे विजुलाइज करेंगे कि ये एक सपोज हमारे पास में कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का होगा और इसका जो ऑक्सीडेशन है वो एक एलिफेटिक कीटोन के अंदर भी हो सकता है। तो एलिफेटिक कीटोन में अगर इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है तो यहाँ पे बेसिकली एक और हमारे पास में साइड चेन होनी चाहिए जिसमें ये डबल बॉन्ड लगा रहे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 कार्बन एटम, ये एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इसका बन रहा है क्योंकि ये एलिफेटिक कीटोन आ जाएगा यहाँ पे। और कोई स्ट्रक्चर अगर आप ढूंढेंगे तो एलिफेटिक कीटोन के अंदर इसका पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने पी का स्ट्रक्चर देख लिया। अब पी को जो है हम रिएक्ट करा रहे हैं अलग अलग कंडीशन के अंदर कि पहले H2 के साथ रिएक्ट करा दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेटाइज चारकोल। तो क्या होगा कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है साइड चेन वाला, ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम SOCl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था ना कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कहाँ से पता लगी, तो ये हमें तो पता लग गया है कि ओजोनोलिसिस से एक एलिफेटिक कीटोन बन रहा है। सो साइड चेन के अंदर डबल बॉन्ड है, ये जो रिएक्शन है और यहाँ से जो H2 के साथ रिएक्शन हो रही है डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है और फिर SOCl2 जो है ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में। SOCl2 के साथ इसको जब हम रिएक्ट करा देंगे तो ये COCl2 बन जाएगा, COCl। नाउ अब इस कंपाउंड को हम रिएक्ट करा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे और फिर रिएक्ट करा रहे हैं हम इसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैडमियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसको अगर हम ट्रीट कर देते हैं तो आफ्टर दैट हमारे पास में ये एक कीटोन बन जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट की जो क्वांटिटी यूज़ करनी है वो मेंशन नहीं है कि एक्सेस में लेना है या 1 इक्विवेलेंट यहाँ पे लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट कर रहा है कि NaBH4 के साथ रिएक्शन हो रही है। तो NaBH4 वी नो दैट एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन अगर हो रही है तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिड्यूसेबल है। तो ये रिएक्शन जो है हमें कीटोन तक ही कंसीडर करनी है। नाउ अब NaBH4 के साथ रिएक्शन होगी तो ये वाला जो हमारा ग्रुप है वो एक सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। नाउ ये जो भी हमारे पास में एक सेकेंडरी एल्कोहल प्रोड्यूस हो गया है इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो HCl के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। नाउ इसको फिर हम रिएक्ट करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दैट्स एन गुड यूज ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री। इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं ड्राई आइस के साथ। तो ड्राई आइस के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो इसका कार्बोनाइलेशन हो जाएगा और फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन करेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट R और Q जो है हमारा यहाँ पे HCl के साथ जो रिएक्शन है उससे पहले हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है ये Q। सो दैट इज Q एंड R हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब यहाँ पे ये अगर हमारा P है तो इससे एक और प्रोडक्ट बन रहा है S, तो उसके अंदर ये H2 PDC के साथ ही रिएक्ट कराया जा रहा है इसको भी पहले। तो H2 PDC के साथ रिएक्ट कराएंगे तो डबल बॉन्ड जो है साइड चेन वाला इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। फिर इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं अमोनिया के साथ तो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा और फिर उसको हीट भी कर दिया गया है। तो दो स्टेप एक साथ कर लेते हैं। अमोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो ये अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं Br2 एंड NaOH के साथ, तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड टाइप की रिएक्शन से ये NH2 आएगा यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास में उसमें ये कार्बेलामिन रिएक्शन हो गई क्लोरोफॉर्म, और KOH के साथ हमने हीट कर दिया इसको। तो कार्बेलामिन रिएक्शन से ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होगा, और आइसोसाइनाइड को फिर हमने H2PDC के साथ इसको फर्दर ट्रीट कर दिया। तो आइसोसाइनाइड को इसके साथ जब आप ट्रीट कर दोगे H2PDC के साथ तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इसका रिडक्शन जब होगा तो ये एक सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is the product F। एक और इंफॉर्मेशन इसके अंदर गिवन है कि ये जो हमारा एसिड P है इसका हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एक साइड से तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी है ही है, और दूसरी साइड से ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला पार्ट है ये ऑक्सीडेटिवली क्लीव हो जाएगा यहाँ पे। और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो पॉलीमर जो बन रहा है वो डेक्रोन बन रहा है, एक वेल नॉन पॉलीमर है। सो ये कंप्लीट एक इस पैराग्राफ में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उनको हमने समराइज कर लिया है। तो हमें जो की फीचर्स है, एक तो जो हमारा R है, Q है, इनके स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना चाहिए सो दैट क्वेश्चन के अंदर हम बता सकते हैं क्या है। ये तो P है ही हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर, और S जो है हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखा है। सो जस्ट रिएक्शन केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका इंपॉर्टेंट यूज़ है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब हम देख लेते हैं, ये सारे पार्ट हमने कर लिए। तो इस पर बेस्ड हमें दो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है कंपाउंड आर इज। सो कंपाउंड आर बेसिकली हमने देख लिया है कि एक कार्बोनाइलेशन के कार्बोक्सिलेशन के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा ही होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर सारे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट पैरा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हमें ढूंढना है। तो दो ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और क्वेश्चन जो ये कह रहा था कि एक एलिफेटिक कीटोन बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे इस साइड से इनका स्ट्रक्चर अगर चेंज करते हैं, इसको यहाँ से उठा करके अगर यहाँ लगा देते हो, तो फिर ये जो है आपके पास में कीटोन जो होगा वो एलिफेटिक नहीं होगा, एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा। तो एलिफेटिक कीटोन के लिए ये साइड चेन यहीं पर रहनी चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आर एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। नाउ S का स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करना है। S अगेन पैरा सब्स्टिट्यूटेड ही है और सेकेंडरी अमीन होगा। तो सेकेंडरी अमीन तो ऑप्शन बी और डी में ही गिवन है। आप क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन बी और डी के अंदर ही सेकेंडरी अमीन गिवन है, और उसमें भी हमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड रिक्वायर्ड है। सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन एक रिएक्शन केमिस्ट्री पर ही बेस्ड है। तो 2018 में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन केमिस्ट्री है उसका बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। सो ये सारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको आप लर्न करिए। So aniline reacts with mixed acid, that is mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid at 288 Kelvin to give P 51% yield, for Q 47% yield and R 2% yield. The major product of the following reaction sequence is R. तो ये major product हमें ढूंढना है, reaction sequence इसकी क्या है ये check करना है। So ये हमारे पास में aniline है, इस एनिलीन को हम मिक्स्ड एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा मिक्सचर है। तो इसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये जो है पैरानाइट्रोएनिलीन, ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन एंड मेटानाइट्रोएनिलीन, ये तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज यील्ड होगा वो पैरानाइट्रोएनिलीन का होगा, क्योंकि इसके अंदर इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा NH3+ ग्रुप का वो सबसे कम लगेगा, स्टेरिक क्राउडिंग भी सबसे कम है। एंड देन जो है हमारे पास में ये मेटानाइट्रोएनिलीन, और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन लोएस्ट यील्ड में प्रोड्यूस होगा। लोएस्ट यील्ड जो है वो ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन का इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। सो PQR हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज P, दिस प्रोडक्ट इज Q एंड दिस प्रोडक्ट इज R। ना मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस इज, तो हमने R को कंसिडर कर लिया है। सो दिस इज R, इस साइड से ले लेते हैं। ये हमारे पास में R है, हम इसको न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। अब इस R को हम रिएक्ट करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जो रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स की या अमीन्स की, तो उसमें बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन कराते हैं, एक एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं साथ में। सो ये हमारे पास में यहाँ पे रिएक्शन हो गई है और प्रोडक्ट ये आ गया हमारे पास में। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ में, और ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ब्रोमीन के साथ एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये रिंग का जो है हमारा ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो रिंग के ब्रोमिनेशन में अगर हम देखेंगे तो ये जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल पोजिशंस है जहाँ पर रिंग ब्रोमिनेशन जो हो सकता है, वो रिंग ब्रोमिनेशन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये क्या है। तो ये एक पोजीशंस ये हो गई और एक पोजीशंस ये हो गई, तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं रिंग ब्रोमिनेशन के थ्रू, हम कह सकते हैं। तो रिंग ब्रोमिनेशन के थ्रू हमने ये दो प्रोडक्ट्स बना लिए। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, NH COCH3 NO2 एंड BR, एक ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो NH COCH3 एंड NO2 में यहाँ पे अगर हम प्लेस कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेरिकली क्राउडेड होगा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। फर्दर जो है हम आगे प्रोसीड जो कर रहे हैं मेजर प्रोडक्ट के थ्रू प्रोसीड कर रहे हैं। ना ये जो भी कंपाउंड बन गया है इस कंपाउंड का हम एसिडिफिकेशन कर देते हैं। तो एसिडिफिकेशन से ये जो है हमारा अमाइड यहाँ से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और अमाइड के हाइड्रोलिसिस के बाद में ये एक अमीन डेरिवेटिव प्रोड्यूस हो गया है। इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं NaNO2 एंड HCl के साथ, प्रॉपर रिएक्शन कंडीशन है 273 टू 278 केल्विन, तो इसका डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा, डाइएजोनियम क्लोराइड डेरिवेटिव बन जाएगा इसका। नाउ दिस डाइएजोनियम क्लोराइड डेरिवेटिव को हम रिएक्ट करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं बेसिकली इथेनॉल के साथ। तो इथेनॉल के साथ इसको आप हीट कर रहे हो, तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे आ जाती है। नॉर्मली ये इथेनॉल यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा डाइएजोनियम क्लोराइड को, ये रिड्यूस करेगा और ये मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये जो है हमारे पास में मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन जो बन गया ये S हो गया। नाउ इस S को जो है रिएक्ट करा रहे हैं हम टिन NaCl के साथ। तो टिन NaCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एक नाइट्रो कंपाउंड में रिड्यूस हो जाएगा। और ये ब्रोमीन अटैच्ड रहेगा। फिर इसको एक्सेस ऑफ ब्रोमीन के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं। सो यू नो वेरी वेल कि फिनोलिक कंपाउंड और एनिलीन को जब हम एक्सेस ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाता है, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव प्रोड्यूस हो जाता है। और ये एक ब्रोमीन पहले से हमारा जो है अटैच्ड रहेगा। नाउ ये जो कंपाउंड है अगेन इट इज़ ट्रीटेड विथ NaNO2 NHCl अंडर प्रॉपर रिएक्शन कंडीशन। तो ये डाइएसोनियम क्लोराइड बनेगा, फिर ब्रोमीन 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 एंड ब्रोमीन। इस कंपाउंड को हम रिएक्ट करा रहे हैं H3PO2 के साथ। तो अगेन जो इथेनॉल के साथ हमने रिएक्शन कराया था वही वाली रिएक्शन यहाँ पे और हो रही है। इट इज ऑल्सो बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर डाइएसोनियम कंपाउंड्स। सो ये ब्रोमीन ब्रोमीन और एक ब्रोमीन ये यहाँ पे प्लेस्ड रहेगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट आ गया, फाइनल मेजर प्रोडक्ट। स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट आर था हमारा वो ये आर है, इसकी रिएक्शन हम यहाँ से कैरी कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर ये हमें कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट आर हमें आइडेंटिफाई करना है क्या है। तो दिस इज दी मेजर प्रोडक्ट आर। तो बेसिकली ये एक टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव है। तो ये टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव आपको ऑप्शन में 2 ही दिख रहे हैं, एक ए है और एक डी है। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन डी के अंदर गिवन है, टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव। इनफैक्ट बी भी एक टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव है। तो ए बी डी में से अगर हम कंपेयर करेंगे तो डी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का परफेक्ट आंसर डी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ डी इन ग्राम फॉर्म फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन एक सीरीज ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अमाउंट हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ये हमारे पास में एसिटोफिनॉन है। इस एसिटोफिनॉन को हम रिएक्ट करा रहे हैं NaOBr के साथ और फिर H3O+ के साथ हम रिएक्ट करा देंगे इसको। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन बनेगी C6H5 COONa प्लस CHBr3। तो इसके 3 मोल्स ले लेते हैं। हमें यहाँ पे जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो एसिडिफिकेशन भी हम लेटर ऑन कर लेंगे। सो ये जो है हमारे पास में बन गया और यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट बन गया 2NaBr। यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास में। बेसिकली बेंजोइक एसिड यहाँ पे बनाना है तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करके सेपरेटली जो है वो प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर ब्रोमीन का सोर्स जो है हमारे पास में ये हो गया है, ये यहाँ से गया बार 3 NaBr बन गए। तो यहाँ से बेसिकली 3 हाइड्रोजन भी हमें रिमूव करने हैं तो इसको हम ले लेते हैं 6 3 यहाँ पे चला गया है हमारे पास में और 3 वहाँ से आ जाएगा हमारे पास में। तो 3 NaBr ये आ जाएगा और ये H2 आ जाएगा। तो 6 NaOH आ जाएगा। सो ब्रोमीन जो हमारा बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहे हैं 3 नज़र आ रहे हैं और हाइड्रोजन 2 N1 3 हो गया। ऑक्सीजन 6 N1 7 दिख रहे हैं यहाँ पे और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 4 ये 6 NaOBr 6 N1 7। तो ये यहाँ पे 1 यहाँ पे लग गया है 3 4 5 6 हो जाएगा तो साथ में बाकी जो ऑक्सीजन का जो सोर्स होगा वो बेसिकली वाटर से आएगा और एसिडिफिकेशन से उसको हमें बैलेंस करना होगा। इन एनी वे इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही कर लेते हैं कि ये हमारे पास में जो है एसिडोफिनॉन है, जस्ट यहाँ पे बेसिकली कम्प्लीटली हर एक स्टेप को बैलेंस करके हमें नहीं प्रोसीड करना है। तो ये NaOBr के साथ रिएक्शन होगी और फिर इसका हम एसिडिफिकेशन कर लेंगे तो बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेंजोइक एसिड की जो परसेंटेज यील्ड है वो यहाँ पे गिवन है 60% जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके हमारे पास में 10 मोल्स हैं, एच पर दी क्वेश्चन 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनॉन है तो 1 मोल से 1 मोल ही बनेगा। तो 10 मोल से एच पर 60% यील्ड इसके इतने मोल्स जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे। नाउ अब जो ये बेंजोइक एसिड हमारे पास में आ गया है, ठीक है, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के बेसिस पे इसको कर लेते हैं, हर स्टेप को बैलेंस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। नाउ इस बेंजोइक एसिड को हम अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं तो ये पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा और फिर इसका जो है अमोनियम सॉल्ट पे हीटिंग का इफेक्ट होकर के ये बेंजेनामाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के बेसिस पे इसके जितने भी मोल्स होंगे उतने मोल्स इसके प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसके हमारे पास में 10 × 60/100 मोल्स हैं तो 10 × 60/100 मोल से ये इसके फॉर्मेशन की जो यील्ड है वो 50% यील्ड आ रही है। तो 10 × इतने मोल इसके बनेंगे प्रोवाइडेड 100% यील्ड है, बट इसकी यील्ड जो है वो 50% है तो इंटू 50/100 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास में अमाइड बन गया है बेंजेनामाइड, इस बेंजेनामाइड की रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन और KOH के साथ। तो ये ऑफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं इसकी जो यील्ड है वो 50% यील्ड है तो ये 10 × 60/100 × 50/100 × 50/100। नाउ ये जो एनिलीन बन गया है, इस एनिलीन को रिएक्ट करा रहे हैं Br2 के साथ और इसके 3 इक्विवेलेंट्स है H पर क्वेश्चन। तो इसके एक इक्विवेलेंट के लिए 3 इक्विवेलेंट इसके कंज्यूम हो जाएंगे और ये ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जितने भी मोल्स एनिलीन के होंगे उतने ही मोल्स यहाँ पे ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव के बन जाएंगे प्रोवाइडेड 100% यील्ड। तो इसकी 100% यील्ड है तो ये हमारे पास में एनिलीन के जो मोल्स हैं वो प्रीवियस स्टेप से आ जाएंगे और यहाँ से जो है यहाँ पे इसके 100% यील्ड के बेसिस पे जो मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो इतने ही मोल्स इसके बन जाएंगे। सो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव के जो मोल्स प्रोड्यूस हैं वो आ गए हमारे पास में। अब इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। सो मास ऑफ द प्रोडक्ट जो है इसको इसके मोलर मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा ग्राम में। मोलर मास एटॉमिक मासेस को ऐड करके आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो, ये इसका मोलर मास है। सो दैट इज़ दी आर फाइनल आंसर इन ग्राम और हमें ग्राम में ही फाइंड आउट करना है। इसका जो मोलर मास है वो 330 ग्राम पर मोल हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आंसर आएगा। ये 335 m0 जो है इसकी वैल्यू 330 सॉरी नॉट 35 मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। तो ये 72, 240, 14 and 4 सो 330। सो यहाँ से इसका मोलर मास सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हो क्या आएगा। इसका आंसर रफली कुछ 495 ग्राम आता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिशर प्रेजेंटेशन ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन बिलो एंड करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ बीटा एल ग्लूकोपाइरेनोज। पायरेनोज 6 मेंबर रिंग होती है, ये सब भी 6 ही मेंबर रिंग है और यहाँ पे डी ग्लूकोज है, एल बीटा एल ग्लूकोपायरेनोज का स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो उसको डी ग्लूकोज की जो पायरेनोज फॉर्म है उसकी जो मिरर इमेज होगी वो बीटा एल ग्लूकोपायरेनोज हो जाएगा। तो इसको ये चेक करने का, जैसे L है या D है, इसको चेक करने का बड़ा इजी सा सिंपल सा हमारा तरीका है। तो जैसे हमारा जो हैबर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है उसमें नॉर्मल कन्वेंशन हमारा ये होता है कि ये जो फिफ्थ कार्बन का जो CH2OH ग्रुप है, ये अगर अपवर्ड साइड में है तो ये D सुगर का पायरेनोज स्ट्रक्चर होगा। तो ये बेसिकली D सुगर का है, सो जस्ट फॉरगेट दिस वन। ये L सुगर है, ये भी L सुगर है और ये भी L सुगर है, ठीक है। अब इसमें ये बीटा है या नहीं है, तो देखिए जो फिफ्थ कार्बन का जो CH2OH है वो अगर डाउनवर्ड है तो उसी के रेस्पेक्ट में हम अल्फा और बीटा बताते हैं। क्लास में एक और तरीका भी आपको बता रखा है, लेकिन ये एक और तरीका यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो हमारे पास में CH2OH है, इसके सेम साइड में अगर एनोमेरिक कार्बन का OH है तो वो बीटा है, उसके अपोजिट साइड में एनोमेरिक कार्बन का OH अगर है तो वो अल्फा हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमारे पास में जो अल्फा फॉर्म का स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये भी जो है वो अल्फा फॉर्म का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये जो है CH2OH के सेम साइड में अगर OH है तो वो बीटा होगा, अपोजिट साइड में OH अगर है तो वो अल्फा हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में बीटा का स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें चेक कर लीजिए कि ये जैसे L जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास में, उसमें ये कार्बन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जो लेफ्ट होता है वो हैवर्थ के अंदर अप होता है। तो ये जो सेकंड कार्बन का OH अपवर्ड होना चाहिए, सेकंड कार्बन का OH जो है हमारा अपवर्ड है। यहाँ पे ये चेक कर सकते हो आप, ये अपवर्ड है, ये हमें अपवर्ड पोजीशन पर रिक्वायर्ड है ना। ये जो थर्ड कार्बन का OH जो है वो L के अंदर जो है राइट साइड में होगा, तो हैवर्थ प्रोजेक्शन के अंदर ये डाउन साइड में हो जाएगा। सो अप इज अप, लेफ्ट इज अप एंड राइट इज डाउन हो जाएगा। तो ये डाउन पोजीशन पे यहाँ पे आ रहा है। तो इन एनी वे ये हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा हमारा क्राइटेरिया हो गया कि फिफ्थ कार्बन पे जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, वो अगर डाउनवर्ड है तो ये L फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ये अपवर्ड है तो ये डी फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी के एनोमेरिक कार्बन के OH का कॉन्फिगरेशन CH2OH के साथ कंपेयर करेंगे। CH2OH और एनोमेरिक कार्बन का OH सेम साइड में है तो ये बेसिकली बीटा फॉर्म हो जाएगा, अपोजिट साइड में है तो ये अल्फा फॉर्म हो जाएगा। तो सेम साइड में आपको एक ही के अंदर दिख रहा है और वो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो It matches the following type का क्वेश्चन है। So the desired product X can be prepared by reacting the major product of the reactions in list 1 with one or more appropriate reagents in list 2। तो यहाँ पर major product हमें produce करना है, तो देख लेते हैं इसकी क्या reaction sequence वगैरह होगी। So desired product X can be prepared by reacting the major product of reactions in list 1। तो P वाले को अगर हम देखेंगे P के अंदर बेसिकली एक पिनेकॉल पिनेकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट की रिएक्शन होगी और इस पिनेकॉल पिनेकोलोन टाइप की रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या है कि H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले इस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा, ये बाहर निकलेगा, फिर इसमें रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट से हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मैं डायरेक्टली उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यू ऑल नो द मैकेनिज्म ऑफ पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। तो P से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला P प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसको हमें X में कन्वर्ट करना है, तो देखिए इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन से ये X में कन्वर्ट हो सकता है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कराएंगे तो इससे जो प्रोडक्ट हमारा X बन जाएगा। तो ये तो श्योर है कि एक तो P के साथ जो है हम 1 को मैच करेंगे ही करेंगे, P के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन 1 में गिवन है। दूसरा यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन कराने का एक और तरीका हमारा है और वो तरीका ये है कि हम यूज़ कर सकते हैं NaOBr, सेम रिएजेंट है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था, NaOBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो P के साथ जो है वो 5B मैच करेगा और सारे ऑप्शन में बेसिकली यही दिया हुआ है, आप अभी देखेंगे। नाउ Q को अगर हम देखते हैं तो Q के अंदर बेसिकली अगेन हमारे पास में ये NH2PH और ये PH गिवन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है और ये OH है। इसको हमें HNO2 के साथ रिएक्शन कराने के लिए कहा गया है, तो ये डाइएजोटाइजेशन होगा। और यहाँ पे जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड गिवन है, एराइल इज ग्रेटर देन एल्काइल एंड एल्काइल इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन गया अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा और एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करने के बाद में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो एक एल्डिहाइड हो जाएगा। अब इस एल्डिहाइड को अगर हमें एक्स में कन्वर्ट करना है तो इसका ऑक्सीडेशन कर देना है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस OH यूज़ कर सकते हैं। इसके ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशंस और इसको ये एक एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो इसको जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास में Q के अंदर 2 और 3 आ रहा है, Q के अंदर जो है बेस्ट चॉइसेस जो नज़र आ रही है वो 2 और 3 आ रहा है और इसमें से कोई होगा नहीं। नाउ R को हम चेक कर लेते हैं कि R के अंदर क्या है। सो R के अंदर अगेन सेम ही टाइप का कंपाउंड है, बस यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गया है। इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ये सिमेट्रिकल ग्रुप है, किसी के साथ भी रिएक्ट कराओ, तो मैंने यहाँ से रिएक्ट करा दिया और एराइल को हम शिफ्ट करा देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो एराइल ग्रुप है उसका माइग्रेटिंग टेंडेंसी फिनाइल से ज़्यादा होगा, तो एक मिथाइल और फिनाइल है, फिनाइल यहाँ से माइग्रेट करके आ जाता है और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। तो इसके अंदर तो एग्जैक्टली हम यही वाली सिचुएशन वापस से ले आएंगे, आयोडीन एंड NaOH हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और हम NaOBr यूज़ कर लेंगे और X बन जाएगा। तो इसका मतलब R जो है अगेन रिपीट करेगा 1 और 5 को, R अगेन रिपीट करेगा 1 और 5 को। और S के लिए अगर हम देखेंगे तो ये एक ब्रोमो कंपाउंड है और इस ब्रोमो कंपाउंड को हम रिएक्ट करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर है वेरी हाई एफिनिटी फॉर हेलोजन एटम, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा और ये मिथाइल जो है माइग्रेट कर जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी है मिथाइल की ज़्यादा है और ये यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो अगेन ये जो है वो रिपीट करेगा टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को, तो 2, 3 जो है अगेन रिपीट हो जाएगा एस के अंदर। सो अब हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो ये हमने एक लिस्ट देख ली और इसमें क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शंस जो है वो क्या है। सो करेक्ट ऑप्शंस इस क्वेश्चन के अंदर हमें चेक करने हैं। तो देखिए P के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1, 5 और Q के अंदर हम 2, 3, तो 1, 5, 2, 3 ऑप्शन है, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3 तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। लिस्ट 1 कंटेन्स रिएक्शंस एंड लिस्ट 2 कंटेन्स मेजर प्रोडक्ट्स। तो इट्स वेरी इजी, ये तो हम यहाँ पे जो है डायरेक्टली ओरली कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारे पास में पी है, पी के अंदर बेसिकली ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, टर्ट ब्यूटॉक्साइड को हम ये बेसिकली एक टर्शरी ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। टर्शरी ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन जब हम कराएंगे तो एलिमिनेशन ही होगा, तो यहाँ पे जो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है पी के अंदर जो मिल रहा है वो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा और एलिमिनेशन वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। तो एक तो 4 वाला हमें यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो है ऑब्टेंड हो जाएगा। चलिए अब इसके अंदर साथ में मेजर प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, माइनर प्रोडक्ट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं इसके अंदर तो माइनर प्रोडक्ट पी के अंदर जो है हमारा वो पी के साथ में हमारे पास में एक तो जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट आ गया और माइनर प्रोडक्ट आ गया, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे जो है वो 4 हो गया। ओके नाउ क्यू के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्यू के अंदर जो है हमारे पास में सिंपल सा ये एक ईथर है, टर्ड ब्यूटाइल ईथर, इसका HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट 1 जो है हमारा आ जाएगा क्यू के अंदर। नाउ आर के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा और इस विलियमसन सिंथेसिस के बेसिस पे 3 ये आर के अंदर जो है बेसिकली हमारा ये 3 डिग्री हेलाइड है, तो विलियमसन सिंथेसिस तो यहाँ पे मेजर नहीं हो पाएगा, एलिमिनेशन आ जाएगा। तो अगेन जो है आर के अंदर बेस्ट चॉइस जो है 4 मिलेगा। नाउ ये विलियमसन सिंथेसिस टाइप का बेस्ट एग्जांपल है, तो विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गिवन है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर हमारा बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे ये आ गया है। चलिए ये, और सिमिलरली यहाँ पे ये जो हमारी पहली फर्स्ट रिएक्शन है इसके अंदर देखिए कि ये एक बेस का काम कर रहा है, तो ये बेस का काम करेगा तो यहाँ से एक H प्लस रिमूव करेगा, तो H प्लस रिमूव करेगा तो ये एक जो प्रोडक्ट, एक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो एडिशनल बन रहा है, वो एडिशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो 1 में गिवन है, तो 1B हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, 1 और 4 यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे। तो ये हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। सो 1 मैंने क्यों लिया आपको समझ में आया होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बेस है, ठीक है, और यहाँ से एलिमिनेशन कराएगा तो H प्लस रिमूव करेगा इस कार्बन से, इस कार्बन से ये बेस RO- H+ रिमूव करेगा तो ROH बनेगा, ये जो ROH बनेगा वो 1 में गिवन है, और एलिमिनेशन वाला जो प्रोडक्ट है हमारा वो 4 में गिवन है। तो ये 1 4 1, सो 1 4 1 और ये हमने देख लिया। तो साथ में एक यहाँ पे जो है 1 वाली पॉसिबिलिटी भी हमने ले ली है यहाँ पे, और इस 1 के साथ में सेकंड क्वेश्चन के अंदर से Q के अंदर एक और ऑप्शन हमारा मिस आउट हो गया, क्योंकि ऑप्शन में हमें ये जो है Q के अंदर 1 कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, ओनली 1 कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसके अंदर ये जो हमने यहाँ पे H का अटैक करा दिया और BR हमारे पास में हो गया। तो ये टर्शरी ब्रोमाइड जो बनेगा, टर्शरी ब्रोमाइड 1B बनाया हमने, 1 जो है वो मेजर नहीं होगा, 1 जो है माइनर होगा, मेजर जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बनेगा वो 2 बनेगा, क्योंकि व्हेन 1, ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, हम मिस आउट कर गए यहाँ पे कि व्हेन 1 ऑफ द आर ग्रुप इन टर्शरी in a reaction of ether with HI and HBr, if 1 of the R group is tertiary alkyl group, then tertiary alkyl halide is 1 of the product। तो ये SN1 mechanism से चला जाएगा, यहाँ पे BR आ जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं इसको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये ऑप्शन 2 जो है नज़र आएगा, 1 तो बिल्कुल नहीं आएगा, अकेला 1 नहीं आएगा, उसके साथ में 2 भी आएगा, ऑप्शन भी सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो 1 4 2 4 और 3 हमारा आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो है वो B आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर B आ रहा है। तो ये हमारा पूरा सेशन जो है कंप्लीट हो गया। सो आई होप इसको कुछ आपको एडवांटेज मिले होंगे, आपके कुछ नोट्स जो भी आपने बनाए होंगे उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एडवांस एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।